वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब भी एकांत में आप लोग दर्शन के लिए आते हैं कि महाराज जी कमाई तो खूब होती है पर बचत नहीं होती, तो भक्तजनों मैंने सोचा क्यों ना सबके साथ इस बात का साझा किया जाए, इस पर विचार किया जाए कि कमाई तो खूब होती है पर घर में धन रुकता नहीं, रुकेगा भी कैसे? जो कार्य हम लोग करते हैं उन्हीं से हमारे घर में धन की कमी होती है। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि लेट देर रात तक खाना खाया जाता है, ऐसे ही जूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी विराजमान नहीं होती। कमाई तो खूब होती है पर घर में धन ठहरता नहीं है। धन कहाँ जाता है? कोर्ट कचहरी, डॉक्टर के पास, गलत कामों में धन का उपयोग होता है। जिस घर में रसोई साफ नहीं होगी उस घर में धन कभी नहीं टिकता। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर धन की कमी ना हो तो एक नियम बनाइए, रात में ही रसोई को साफ कीजिए और घर में सुबह के टाइम पोछा लगाइए। पूरे घर में खास करके रविवार के दिन नमक का पोछा घर में जरूर लगाइए। नित नियम घर में धूप अगरबत्ती जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में लगाएं। तत्पश्चात रसोई में अग्नि माता को प्रसन्न करके घर में चूल्हा जलाएं। जो भी घर में खाना बने या पानी हो या चाय हो, सर्वप्रथम मां लक्ष्मी और अग्नि देव के लिए थोड़ा सा भोजन का भोग लगाएं। उसके पश्चात घर में आपके जो भी देवी देव हो उनको भोग लगा के वह प्रसाद महाप्रसाद के रूप में तब्दील हो जाता है जिस घर में प्रभु को भोग लगाया जाता है। जिस घर में रसोई साफ होती है और प्रभु को भोग लगाया जाता है वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। नित नियम आप लोग यह कार्य करेंगे, प्रभु को भोग लगाएंगे, घर में रसोई को साफ रखेंगे तो आपके घर धन दिन दुगना रात चौगुना, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। धन इतना आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। लेकिन नित नियम जब भी रसोई में जाएं तो सुबह नहाकर ही रसोई में प्रवेश करें, रात को रसोई को साफ करें, यही लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय आप करें, अपने मित्र गणों को बताएं और धन की कभी कमी नहीं होगी।